2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी ने बहुत मुश्किल रास्ता ढूंढा है दोस्तों। कल भारी बर्फबारी के बीच वो अपना भाषण देते रहे, मगर आप में से कई लोगों ने, मैं दावा कर सकता हूं, भाषण को ध्यान से नहीं सुना होगा, क्योंकि इसी भाषण से हमें संकेत मिल रहे हैं कि अगले 1.5 सालों में, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी की रणनीति क्या होने वाली है, राहुल गांधी का सियासी पंच क्या होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बतला चुके हैं कि अगले 1.25 साल में 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उनकी रणनीति क्या होने वाली है। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। राहुल गांधी ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाने वाला हूं, लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या फोकस होने वाला है वो आपको NDTV के इस कार्यक्रम से समझ आ जाएगा। अब यहां पर उनके एक रिपोर्टर जो हैं अयोध्या जाकर राम मंदिर को लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे जैसे हम 2024 के करीब आएंगे, जनवरी 2024, याद कीजिए अमित शाह ने एक रैली में राहुल गांधी को ताना मारते हुए कहा था कि 2024 में राम मंदिर के कपाट जो हैं वो आम लोगों के लिए खुलने वाले हैं। जिसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि 2024 जनवरी से पहले भारतीय जनता पार्टी उग्र हिंदुत्व का सहारा लेने वाली है। तमाम न्यूज चैनल्स पर, चाहे वो NDTV हो, रिपब्लिक हो, जी न्यूज हो, आज तक हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा। तमाम चैनल्स भगवामय हो जाएंगे, मोदीमय हो जाएंगे, BJPमय हो जाएंगे। और राहुल गांधी ने एक निहायत ही मुश्किल रास्ता चुना है। वो कल बर्फबारी के बीच जब अपना भाषण दे रहे थे तो लगातार सांप्रदायिक सौहार्द की अपील कर रहे थे। वो कश्मीरियत को भगवान शिव और इस्लाम के साथ भी जोड़ रहे थे। मगर हां, जैसे ही उन्होंने अपनी दादी और अपने पिता की शहादत की बात की तो बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई से उन्होंने उनकी शहादत को जोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल की बंटवारे वाली सियासत से। राहुल गांधी ने सांप्रदायिक सौहार्द की क्या अपील की बस कुछ देर में, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा आप उनके दो बयान सुने। पहला बयान जिसमें वो अपनी दादी की शहादत की बात करते हैं, यहां पर वो तीन चीजें कहते हैं दोस्तों। पहली चीज कि मैंने अपनी दादी की शहादत का दर्द अपनी आंखों के सामने देखा, मैंने फर्श पर उनके छितरे हुए खून को देखा। और फिर आगे क्या कहते हैं कि चूंकि मैंने इस दर्द को झेला है इसलिए जब पुलवामा के जवान शहीद होते हैं तो उनका परिवार जिस दर्द से गुजरता है मैं उसे महसूस कर सकता हूं। जब आम कश्मीरी आतंकवाद का शिकार होता है दोस्तों तो मैं उसे महसूस कर सकता हूं, और इस दर्द को ना मोदी, ना अमित शाह, ना अजीत डोभाल, ना RSS वो जो है महसूस कर सकती है ना समझ सकती है। सुनिए उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहा था। गलती की होगी, अब मार पिटेगी, वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी, मगर जब मैं चल रहा था जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी राहुल दादी को गोली मार दी।
14 साल का था। देखिए ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। और बिल्कुल यही बात दोस्तों उन्होंने अपने पिता की शहादत के बारे में कही। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो हैं वो हिंसा के शिकार हुए, और आप में से चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो या आम कश्मीरी, जो लोग इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं, जो परिवार उस दर्द से गुजर रहे हैं, उस दर्द के नरक या दोजक से गुजर रहे हैं, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपने इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने ये बतला दिया कि इन तीनों की जो राजनीति, और साथ में आरएसएस को भी जोड़ दिया, इन चारों की जो राजनीति है वो सिर्फ बंटवारा करने की है, हिंसा को बढ़ावा देने की है। सुनिए उन्होंने अपने पिता का जिक्र किस तरह से किया। ये जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे उनके घर टेलीफोन आया होगा, हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा, वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं, मेरे दिल में वही हुआ है। जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है, जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उग्र हिंदुत्व का पंच होने वाला है, वही सियासत जो आप आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। आपको एक छोटा सा ट्रेलर एनडीटीवी की इस रिपोर्ट में दिख गया, जहां अभी से राम मंदिर को लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं एनडीटीवी बाकायदा दिखा रहा है। जरूरत क्या थी, मगर हो रहा है, और लगभग इसी तरह की तैयारियां तमाम न्यूज चैनल्स कर रहे हैं दोस्तों। मगर राहुल गांधी एक बहुत ही मुश्किल रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। वो सांप्रदायिक भाईचारे की बात कर रहे हैं, एक ऐसे देश में जहां लोग और उनकी जहनियत को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है 24 घंटे के नफरती न्यूज चैनल्स के जरिए। एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क यहां पर राहुल गांधी ले रहे हैं। क्या यह कामयाब होगा? मैं चाहूंगा आप उनके इस बयान को सुनिए, किस तरह से वो कश्मीरियत को भगवान शिव और इस्लाम से भी जोड़ते हैं। सुनिए। कश्मीरियत
अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है, अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है, सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अपने बयान में वो एक और बहुत बड़ा दावा करते हैं कि इस दुनिया की दो बड़ी सभ्यताएं हैं, हिंदू धर्म और इस्लाम। राहुल गांधी कहीं ना कहीं दोनों में समानताएं ढूंढने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अंधों के शहर में आईना बेचा जा सकता है? बताइए, क्योंकि ये वो देश है दोस्तों जहां आज की तारीख में हिंदू को इतना भड़काया जा चुका है, इतना भड़काया जा चुका है, वो भी एक ऐसे वक्त जब देश में हिंदू हृदय सम्राट का राज है और हिंदू को बताया जाता है कि तुम पर मुगलों का राज हो जाएगा, हिंदू को यह बतलाया जाता है कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। लगातार इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा है, इनका जो पूरा प्रचार तंत्र है, हिंदू को डराने और भड़काने में लगा रहता है, और ऐसे में राहुल गांधी हिंदुओं और मुसलमानों, हिंदू धर्म और इस्लाम को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी कश्मीरियत के सहारे। मैं चाहूंगा आप इनकी बात सुने। इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है, और ये सालों से रिश्ता है जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते थे, जिसको हम यहां शून्यता फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जनतो कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहाँ जो लोग आए हैं, वहाँ बसवा जी ने ये बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र ने ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की। और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं, लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना। आप जानते हैं राहुल गांधी की मुश्किल इसलिए भी है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो श्रीनगर पहुंचे भी नहीं थे और न्यूज चैनल ये कहने लगा था कि राहुल गांधी बहाने ढूंढ रहे हैं लाल चौक ना जाने के। बहाने ढूंढ रहे हैं, वो नहीं जाना चाहते लाल चौक। और उसके बाद जब उन्होंने लाल चौक में तिरंगा फहराया, तब वही चैनल्स ये कहने लगे कि ये तिरंगा इसलिए फहराया इन्होंने क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटा दी कायदे से। इन पिछलग्गू न्यूज चैनल्स को ये सवाल पूछना चाहिए था कि अगर नोटबंदी हो गई, धारा 370 हट गई, तो एक अरसे के बाद यानी कि 1990 के बाद कश्मीरी पंडित क्यों पलायन कर रहे हैं, आतंकवादी हमले क्यों बढ़ गए हैं, आखिर क्यों कश्मीर की माइनॉरिटीज पर आतंकवादी हमला कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है,
आखिर क्या वजह है कश्मीर की जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो महबूबा मुफ्ती जिनके साथ बीजेपी ने सरकार चलाई थी 3 साल तक, वो उमर अब्दुल्ला जो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, आखिर क्या वजह है कि इन्हें अब पृथकतावादी दलों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ वैसा बर्ताव किया जा रहा है जो एक जमाने में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ किया जाता था? क्या ये पालतू न्यूज चैनल्स भाजपा से ये सवाल पूछेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कश्मीर फाइल्स तो बन जाती है जहां कश्मीरी पंडितों के दर्द की बात की जाती है, और उसी फिल्म के जरिए यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह हुआ वो हुआ, मगर क्या कभी इन फिल्मों ने, कभी इन पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि उन कश्मीरी पंडितों का दर्द जानने के लिए 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने कब गए? पिछली करीब 250 दिनों से कश्मीरी पंडित जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है तुम घाटी वापस जाओ, उनकी जानो माल की कोई गारंटी नहीं है। क्या कोई भाजपा का नेता जो है उनसे जाके मिल रहा है? ये सीधा सवाल है। मोदी जी और अमित शाह तो चलिए दूर की बात है, क्या भाजपा का कोई चुटभैया नेता भी इन कश्मीरी पंडितों से मिला है या नहीं मिला है? और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद ही राहुल गांधी जो हैं वो लाल चौक में तिरंगा फहरा पाए हैं, तो राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जाता कि अमित शाह जम्मू से श्रीनगर तक एक यात्रा कर दें? अगर हालात इतने माकूल हैं, इतने बेहतरीन हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके साथ भी लोग चलेंगे, उनका जयकारा करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी हिम्मत है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का मुंहतोड़ जवाब तभी दिया जा सकता है। दोस्तों, ये जो आखिरी मिसाल मैंने आपको बताई धारा 370 वाली, क्यों मैंने आपको बतलाई? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आने वाली सियासत की। आखिरी मिसाल थी मीडिया की, यानी कि मीडिया में चित भी मेरी पट भी मेरी, भाजपा की बल्ले बल्ले, भाजपा जो भी करे वो मास्टर स्ट्रोक, और विपक्ष जो भी करे उस पर सवाल उठाया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए। राहुल गांधी जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं यही हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं, और इसलिए मैं कहता हूं यह मुकाबला बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने जो यात्रा चुना है वो और भी कठिन है, क्योंकि दुख की बात यह है कि जब वो बर्फ में भीग रहे थे इस तरह से, तो इस तस्वीर को मास मीडिया के जरिए वायरल नहीं किया गया। आज मैं जब आपके सामने ये कार्यक्रम कर रहा हूं तो इसके राजनीतिक मायने समझा रहा हूं। यहां पर राहुल गांधी का महिमा मंडन नहीं हो रहा, उल्टा हम बता रहे हैं कि उनकी व्यावहारिक मुश्किलें क्या हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार जिस तरह से बरगलाती है, जिस तरह से आपके सामने हकीकत नहीं पेश करती, उसे कटघरे में रखना बहुत जरूरी है, जो ये मीडिया नहीं करता है। इसलिए राहुल गांधी की राह जो है वो बहुत मुश्किल है, मगर हमारे सामने इतिहास में ऐसी बड़ी बड़ी जंगें हैं जहां सूरमाओं को बहुत ही छोटे छोटे लोगों ने मात दी है, और ये मात आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास जुनून हो, जज्बा हो। क्या ये जज्बा कांग्रेस के पास है? क्या ये जज्बा राहुल गांधी के पास है? और सबसे बड़ी बात, अगले सवा साल में या करीब 1.5 साल में किस तरह की रणनीति के तहत कांग्रेस भाजपा को चुनौती देगी, हमें इंतजार इस बात का होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।